अस्सलाम वालेकुम। आज किचन में बन रहे हैं गोला कबाब। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 kg मैंने बीफ मिंस ले लिया है, यानी गाय का कीमा। आप चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये थोड़ा फैटी होना ज़रूरी है, थोड़ा सा चर्बी वाला होना चाहिए। इसके लिए मैंने सबसे पहले मैंने एक प्याज ली, उसको मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया। आप चाहे तो उसको ग्रेट कर लें, कद्दूकश कर लें, और उसका बिल्कुल पानी निकाल दिया। 1 tablespoon योगर्ट लिया, दही, और 1 tablespoon मैंने पपीते का पेस्ट लिया, पपाया पेस्ट। इसके साथ ही मैंने कुछ स्पाइसेस लिए, जो कि बहुत सारी हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 tablespoon रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, 1 tablespoon कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 teaspoon गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर, 1 teaspoon जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर, 1/2 tablespoon सॉल्ट, नमक। साथ में ले लिया है 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर, 1 teaspoon क्यूमन पाउडर, जीरे का पाउडर, चाट मसाला 1 teaspoon, 1/2 teaspoon गरम मसाला एंड 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, और 1/2 teaspoon ही कुटी हुई लाल मिर्चें, क्रश रेड चिलीज। और ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, सारे मसाले। साथ में ही मैंने इसमें डाल दिया है 2 tablespoons ऑफ लेमन जूस, लीमू का रस। और साथ में ले लिए मैंने 3 tablespoons ऑफ ब्रेड क्रम्स, और साथ में ही 2 tablespoons कॉर्नफ्लोर। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी अच्छे से। आप चाहें तो, अगर आपके पास गार्लिक और जिंजर पाउडर नहीं है, तो आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हम धुआं दे देंगे कोयले का, जिसके लिए मैंने एक एल्युमिनियम का फॉइल रख लिया है डबल करके, और उसके ऊपर बिल्कुल जला के दहका के मैंने कोयला रख लिया। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी कि उसका धुआं अच्छे से आए, और इसको मैं अच्छे से कवर कर दूँगी तकरीबन 2 मिनट्स के लिए, ताकि धुआँ अच्छे से सेटल हो जाए इसके अंदर और स्मोक आ जाए इसके अंदर अच्छा सा। अब देखिए, मैंने उसको सबको हटा लिया, कोयले को निकाल लिया, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि धुआं सारा मिक्स हो जाए। ये कोयले का पीस इसके अंदर गिर गया था कि, तो मैंने वो भी निकाल दिया। अब मैं इसके कबाब बना लूँगी, गोला कबाब। ये देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। अगर आपके कबाब टूट रहे हों, तो आप इसके अंदर चाहें तो कॉर्नफ्लोर और 1 tablespoon और ऐड कर दें, या तो फिर बेसन, अगर चाहें तो रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके 1 tablespoon वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर कॉर्नफ्लोर आपके पास नहीं है, तब आप कॉर्नफ्लोर की जगह जगह भी बेसन यूज़ कर सकते हैं, ग्राम फ्लोर। इसी तरह देखें, मैं सारे कबाब बना के रख लूँगी। कुछ मैं उसी वक्त फ्राई कर रही हूँ, और कुछ मैं फ्रीज़ कर दूँगी। आप चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख के। ये मैंने 2 tablespoon जितना ऑयल लिया, और मैंने उसके अंदर ये फ्राई कर लिया फ्लिप करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।